दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान खत्म करें प्रदर्शन, सरकार वार्ता को तैयार। वहीं अनिल विज का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुला पत्र, बोले कृषि कानूनों पर किसानों से फिर से बातचीत करे सरकार। वहीं अमित शाह का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला, बोले 2 मई को धूमधाम से विदाई देगी बंगाल की जनता। वहीं कूचबिहार जाने से रोकने पर भड़की ममता दीदी, बोली चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। वहीं जेपी नड्डा बोले बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को घर बैठाने का मन बना लिया है। वहीं बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, बोले दीदी 2 मई को आपको राज्यपाल के यहां जाकर इस्तीफा देना होगा। वहीं चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, तृणमूल कांग्रेस पर की कार्यवाही करने की मांग। वहीं कूचबिहार फायरिंग को ममता बनर्जी ने बताया नरसंहार, बोली मुझे जाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने लगाया 72 घंटे का बैन। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर दिलीप घोष का पलटवार, बोले 2 मई को ममता बनर्जी देंगे इस्तीफा, अमित शाह नहीं। वहीं बंगाल चुनाव का नया अखाड़ा बना कूचबिहार, शीतल कूची फायरिंग को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी ममता बनर्जी। वहीं परमवीर सिंह लेटर बम मामले में सीबीआई की जांच तेज, अनिल देशमुख के 2 PA किए गए तलब। वहीं चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले रैलियों पर लगाई पाबंदी। वहीं लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हुए असदुद्दीन ओवैसी, बोले दोबारा लॉकडाउन लगाना गरीबों के साथ विश्वासघात होगा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान खत्म करें प्रदर्शन, सरकार वार्ता को तैयार। ये आपको बता दें कि दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान जब भी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 5 महीनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच में आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी समाधान नहीं निकल सका। किसानों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता प्रकट करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर जारी है, ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों को भी COVID-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। उनकी जिंदगी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस मौजूदा COVID-19 हालात में किसानों से आंदोलन खत्म करने का अनुरोध है। वे जब भी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उनसे बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कृषक समुदाय के बीच में कोई भी असंतोष नहीं है, कृषि संगठन इन कानूनों के पक्ष में है जबकि कुछ ही इनके खिलाफ है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, चाहे वे किसान हो या फिर नागरिक, यदि हमें कोई संदेह है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके संदेह को दूर करे और कोई समाधान तलाशे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने COVID-19 का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, अनिल विज का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुला पत्र, बोले कृषि कानूनों पर किसानों से फिर से बातचीत शुरू करे सरकार। ये आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करे, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार मंडराने लगा है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और हरियाणा में भी खराब होती स्थिति का हवाला देते हुए अनिल विज ने कहा कि वो दिल्ली से लगी राज्य की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में चिंतित हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर चिंता बनी हुई है जो हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं और मुझे उन्हें कोरोना से बचाना है। अनिल विज ने 9 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में कहा कि एक चिंता ये भी है कि उनसे ये बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए। उन्होंने ये बात का उल्लेख भी किया है कि आंदोलन कर रहे किसान कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने में पूरे तरीके से सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रयास किए हैं और कई दौर की वार्ता भी की, लेकिन कुछ कारणों से अब तक समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है क्योंकि काफी समय से बातचीत नहीं हुई है। मेरा मानना है कि किसी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। अनिल विज ने अपने पत्र में लिखा है कि इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बातचीत फिर से शुरू की जानी चाहिए जिससे का समाधान हो और प्रदर्शन खत्म हो। आपको बता दें कि अनिल विज ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर सरकार से फिर से बातचीत शुरू करने की बात की है।
अगली बड़ी खबर, अमित शाह का ममता दीदी पर जोरदार हमला, बोले 2 मई को दीदी को धूमधाम से विदाई देगी बंगाल की जनता। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल में लगातार 2 रैलियां की। नादिया के बाद बसीरहाट में हुई रैली में भी उन्होंने TMC को निशाने पर ले लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बंगाल चुनाव में हिंसा भड़काने का बड़ा आरोप लगाया। बसीरहाट में चुनावी रैली में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि 14 अप्रैल को बंगाल के नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 2 मई को सोनार बांग्ला की सूरत होगी। दीदी आजकल एक ही बात करती हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, मगर आप तैयार रहो दीदी, 2 मई को आपको ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बंगाल की जनता ने आपका 2 मई को राज्यपाल महोदय के यहां पर इस्तीफा देना तय कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है, बंगाल की जनता आपकी विदाई करने को तैयार है। दीदी की विदाई धूमधाम से करने के लिए बीजेपी को 200 सीटें देना जरूरी है। हमारी 199 सीटें तो पक्की हैं, यदि आपने बसीरहाट भी जितवा दिया तो पूरी 200 हो जाएंगे। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला किया, CISF के हथियार छीनने की कोशिश की, मजबूरी में CISF को गोली चलानी पड़ी। इस घटना से कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी ने मीटिंग की थी, सरेआम ऐलान किया था कि CAPF आए तो उसे घेर लेना, आप तो कहकर चली गई दीदी, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बंगाल चुनाव में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और साथ ही ऐलान कर दिया है कि ममता दीदी को 2 मई को इस्तीफा देना होगा। और ये बड़ी खबर, कूच बिहार जाने से रोकने पर भड़की ममता दीदी, बोली चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4th चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कूच बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के वहां पर जाने पर रोक लगा दी है। इस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदल कर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। अब ममता बनर्जी 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने लिखा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक ले, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं 4th दिन वहां पर जाऊंगी और 14 अप्रैल को पीड़ित परिवारों से मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यही नहीं, ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में कहा कि मैं बंगाल की रॉयल टाइगर हूं, मुझे कूच बिहार जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मैंने सिलीगुड़ी में बैठकर वीडियो कॉल के जरिए मृतकों के परिवार से बात की है। भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो जानते हैं कि 4 चरणों के चुनाव में उन्हें करारी हार मिली है, इसलिए वो बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इन बंदूक की गोलियों का बदला बैलेट से बीजेपी को हरा कर लेंगे। और ये बड़ी खबर, JP नड्डा का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को घर बैठाने का मन बना लिया है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता और प्राथमिकता से लड़ती है। JP नड्डा ने कहा कि लोगों को पहले लगता था कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अब वहां भी भाजपा की लहर जारी है। भाजपा अध्यक्ष ने बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को घर बैठाने का मन बना लिया है। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर JP नड्डा ने कहा कि जो कुछ भी सीतलकुची में हुआ उससे TMC की बौखलाहट दिख रही है, वो मान चुके हैं कि चुनाव उनके हाथों से निकल चुका है। JP नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी सच्चाई को कबूल करने से कतरा रही हैं कि बंगाल की जनता ने उनको घर बैठाने और चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है, इसलिए उन्हें सब डार्क दिख रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का प्रजातंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, आप चुनाव जीतते हैं तो अच्छा है, वरना EVM की खामी और चुनावी धांधली के आरोप लगते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार बंगाल में BJP की सरकार बनेगी, लेकिन ममता बनर्जी EVM में खामी और चुनावी धांधली का आरोप लगाएंगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग पहुंचा BJP का प्रतिनिधिमंडल तृणमूल कांग्रेस पर की कार्रवाई करने की मांग। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में BJP के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की। BJP प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित आवेदकों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने की रही है। ये पूरा देश जानता है, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार के बयान से साफ हो जाता है कि आखिरकार वो क्या कहना
देना चाहते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि कुछ लोग अभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के शेड्यूल कास्ट के लोग स्वभाव से भिखारी हैं। ममता दीदी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन चंद पैसों के लिए वे बीजेपी के हाथों में बिक गए हैं। ममता दीदी के उम्मीदवार ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी कह करके उनके स्वाभिमान को गाली दी है और ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर दिलीप घोष का तगड़ा हमला। बोले 2 मई के बाद ममता दीदी देंगे इस्तीफा, अमित शाह नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल चुनाव में हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा था, जिस पर पलटवार करते हुए बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 2 मई के बाद इस्तीफा देंगी, अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री है, इसका मतलब यह है कि देश सुरक्षित है। राज्य बीजेपी चीफ ने कमरहाटी में कहा कि बंगाल में पहली बार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, हंगामा और बवाल करने वाले लोगों को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि 2 मई को ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा और बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। अगली बड़ी खबर, परमवीर सिंह लेटर बम मामले में सीबीआई की जांच तेज, अनिल देशमुख के 2 PA किए गए तलब। ये आपको बता दें कि परमवीर सिंह लेटर बम मामले में सीबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है। रविवार को सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 PA को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अब RTO घोटाले में भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जांच के साथ ही अनिल देशमुख की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इस बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखकर RTO घोटाले की CBI जांच की मांग कर दी है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले में परब खरमाटे और डाकने के खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले सभी रैलियों पर लगाई पाबंदी। ये आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कूचबिहार जिले में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जिनमें राज्य में 5वें चरण के मतदान से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की किसी भी आशंका से बचने के लिए कूचबिहार जिले में अगले 72 घंटों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि 5वें चरण यानी 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म करने की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सके। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हुए असदुद्दीन ओवैसी। बोले दोबारा लॉकडाउन लगाना गरीबों के साथ विश्वासघात होगा। ये आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भारत को फिर से देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत में कोरोना लॉकडाउन लगाते हैं तो ये एक गलती होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री देश में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद लॉकडाउन की घोषणा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू करना गरीबों के साथ विश्वासघात होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पिछले साल लगे देशव्यापी लॉकडाउन में 10 करोड़ गरीबों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी, इसलिए पीएम मोदी से अपील है कि वो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद देश में लॉकडाउन न लगाएं। और बड़ी खबर, कोरोना से देश भर में हाहाकार, महाराष्ट्र के 7 राज्यों में मंडरा रहा लॉकडाउन का खतरा। यह आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश भर में हाहाकार मचा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश को फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है।
लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, लिहाजा राज्य सरकारें पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लागू है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। और ये बड़ी खबर, कामरहाटी में बोले अमित शाह, बंगाल का भूमि पुत्र ही बनेगा राज्य का मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में एक रोड शो का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कामरहाटी में एक टाउन हॉल बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि बंगाल के भूमि पुत्र केवल बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम बंगाल की जनता के सामने परिवर्तन का संदेश लेकर आए हैं। हम एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे को बैठाने नहीं आए हैं। एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरे पार्टी की सरकार लाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करना है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार बंगाल का भूमि पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए और टीएमसी की सरकार बंगाल में बने, तो इस वीडियो को लाइक अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।